रायपुर दक्षिण उपचुनाव का अब रंग चढ़ने लगा है। आज शुभ मुहूर्त में भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी और कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा ने नामांकन जाम किया। इस दौरान सांसद बृजमोहन ने कहा, रायपुर दक्षिण की जनता कांग्रेस को 35 सालों से सबक सिखाती रही है, इस बार भी सबक सिखाएगी। बृजमोहन ने कहा, सुनील सोनी ने भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में मुहूर्त का नामांकन दाखिल किया है। इस नामांकन में मृत्युंजय दुबे और खेमराज बैद प्रस्तावक बने। 25 तारीख को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत वरिष्ठ नेताओं के साथ दोबारा सुनील सोनी नामांकन भरेंगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस को स्थानीय प्रत्याशी नहीं मिला, इसलिए एक ऐसे युवा को प्रत्याशी बनाया जिसे रायपुर शहर के 1% जनता भी नहीं जानती है, ना ही पहचानती है। उनका दक्षिण विधानसभा के विकास में कोई योगदान भी नहीं है। और हमारे वरिष्ठ नेता जिन्होंने 8 बार जो है इस विधानसभा में अनुरत फतेह हासिल किए, बृजमोहन अग्रवाल जी के साथ में आज हमने मुहूर्त का किया है। 25 तारीख के जो है सभी नेताओं के नेतृत्व में फिर हम नामांकन दाखिल करेंगे। देखिए, रायपुर दक्षिण की सीट भारतीय जनता पार्टी की सीट है। मैं रायपुर दक्षिण को अपना घर मानता हूँ और मैंने लोगों को ये विश्वास दिलाया है कि अब सब दो विधायक मिलेंगे, एक परमानेंट विधायक बृजमोहन, एक अध्यक्ष विधायक सुनील सोनी, और सभी लोग कमल फूल को भारतीय जनता पार्टी को सुनील सोनी दें। और डबल सरकार में रायपुर शहर को राजधानी के अनुरूप तेजी से विकसित करने के लिए, दक्षिण विधानसभा को तेजी से विकसित करने के लिए सब लोग कमल फूल का बटन दबाएं और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करें और पैसे की कमी नहीं हो और तेजी से विकास। ये प्रमोद दुबे जी की नाराजगी सामने सोशल मीडिया में नाराजगी कर रहे हैं, प्रमोद दुबे जी की नाराजगी सामने आ रही है, ट्वीट कर रहे हैं कन्हैया अग्रवाल नाराज चल रहे हैं। देखिए, मैंने कहा कि कांग्रेस अभी लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, भूपेश बघेल कांग्रेस को टिकट मिली है कि दीपक बैज कांग्रेस को टिकट मिली है कि चरणदास महंत कांग्रेस को टिकट मिली है कि टीएस बाबा कांग्रेस को टिकट मिली है कि मोहन मरकाम की कांग्रेस को टिकट मिली है। पहले ये तय हो जाए और उसके बाद में फिर प्रत्याशी के साथ में कौन होगा कौन नहीं होगा वो बात करते हैं। ये लगातार बीजेपी बाहरी प्रत्याशी की बात कहती रही, आकाश शर्मा का बयान सामने आया, वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़िया और नेरवा रायपुर में गड़े हैं, बीजेपी प्रत्याशी का नेरवा कहाँ गड़े बताएं। ऐसे है, बीजेपी प्रत्याशी के भी नेरवा रायपुर में गड़े है। पिछला चुनाव में जोन गुंडरदेही से टिकट मांगत रही और रायपुर शहर के मैं तुमन मन से आओ कुछ नहीं बोलो, 3 लाख मतदाता है, 3 लाख मतदाता में तुमन मन 100 मतदाता से पूछ लो कि वो मनोला जानते का। अरे भाई ब्रेक नीचे करो ना यार, चेहरा तो यार। देखिए, यही प्रशासनिक क्षमता है, जो काम करेगा वो रहेगा, जो काम नहीं करेगा और जिसकी प्रशासनिक क्षमता नहीं है वो नहीं रहेगा। यही बीजेपी का संकल्प है और बीजेपी का शासन है। इसलिए अधिकारी कर्मचारियों को ये समझ लेना चाहिए कि विष्णुदेव साय जी की सरकार में काम नहीं करने वाले या गलत काम करने वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं। वो नाराज नहीं है, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अगर गलत काम होता है तो गलत काम का विरोध करना नाराजगी नहीं है, शासन को सजग करना है।